गाइस, कैसे हो आप? लव यू गाइस, और आपका स्वागत है मेरे रियल स्टोरी गर्ल्स ऑफ इंडिया चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी फिर से बहुत ज़्यादा ही कोविड वाला टाइम आ गया है, तो आप बच के रहिए और अपने घर के सदस्यों को बोलिए कि सावधान रहें, बच के रहें, खांसी जुकाम बुखार से बच के रहें और अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य सही रखिए जिससे कोई दिक्कत ना हो पाए। और ये भी एक बुरा समय है, सो टल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम फिर से आगे बढ़ते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि अपने साथ बीता हुआ टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था। बचपन से ही कोई केयर करने वाला नहीं था। और हम लोग ना दो भाई एक बहन थे, और मेरा भाई है तो मुझसे 5 साल बड़ा है, मैं उससे छोटी हूँ। एक भाई और है मेरा जो मुझसे छोटा है 1 साल। हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं रहा था भाई बहन जैसा। शुरू से ही पता नहीं कितना उतार चढ़ाव जिंदगी में होता था, और इस तरह से नहीं रहता था जैसे कि हम भाई बहन हैं तो भाई बहन के तरीके ही वो बहुत ही छोटी छोटी बातों पे मारना पीटना और लड़ना झगड़ना बहुत ही दुख भरी ज़िंदगी थी। जो मतलब बचपन है वो दुख से बीता हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दुखी। इतना कुछ कहना नहीं है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। सारा जो बचपन है वो दुख दुख के साथ ही गुजरा हुआ है। ना कहीं खेलने कूदने के लिए मिलता था, ना किसी के पास आप बैठ सकते हो। मतलब मैं किसी के पास बैठ नहीं सकती थी। एंड मुझे चोरी का भी नाम बहुत ही लगाते थे। मैं मुझे याद है कि मैं छोटी थी तो जो मेरे चच्चू थे वो मतलब ऐसे टाइप के थे, थोड़ा कुछ कहना नहीं है। वो पता नहीं मुझसे इतना जलस क्यों रहते थे, जलस भी रहते थे साथ ही वो हमेशा पता नहीं कि मुझे पिटवाने का ही ढूंढते रहते थे बहाना। तो कई बार ऐसा हुआ, मैं कभी भी किसी से बात करती तो वो मुझे सबसे पहले तो या तो पागल साबित कर देते बात करते करते, या फिर वो मुझे कैरेक्टर लेस ठहरा देते कि इसकी आदतें सही नहीं है और ये गंदी आदतों की तरफ बढ़ रही है, और या फिर बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देते थे जिससे मेरी मार पड़ती थी। और हाँ, लेकिन मार पड़ती थी भले ही थोड़ी पड़े पर। हाय गाइस, कैसे हो आप? लव यू गाइस, और आपका स्वागत है मेरे रियल स्टोरी गर्ल्स ऑफ इंडिया चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी फिर से बहुत ज़्यादा ही कोविड वाला टाइम आ गया है, तो आप बच के रहिए और अपने घर के सदस्यों को बोलिए कि सावधान रहें, बच के रहें, खांसी जुकाम बुखार से बच के रहें और अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य सही रखिए जिससे कोई दिक्कत ना हो पाए। और ये भी एक बुरा समय है, सो टल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम फिर से आगे बढ़ते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए गाइस, बात बात में पता नहीं कितना सारा बवाल मच जाता था। सब मुझे मानने को दौड़ते थे हमेशा। किसी से भी मैं बात करूं तो बोलने की इसके पास दिमाग नहीं है, घर की बातें यहाँ वहाँ करती है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि
बच्चा है, बच्चे से तो कुछ भी गलती हो सकती है। क्या मारना, उसे गाली देना सोल्यूशन है? उसको समझाया जा सकता है, और बच्चा है वो एक बार के समझाने से कतई नहीं मानता। अगर आप सोचो कि एक बार के ही समझाने से मान जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक बार के समझाने से कोई भी बच्चा मान जाता तो आज टीचरों ने उन्हें स्कूल में एक दिन में ही नहीं पढ़ा कर और एक ही दिन में उनको क्लास से दूसरे क्लास में डाल दिया होता दूसरे दिन। ऐसा जब आप बच्चे का एडमिशन करवाते हो तो पहली क्लास से वो पांचवी क्लास तक 5 साल पढ़ता है, तब भी उसे जो पांचवी क्लास की क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, जो नॉलेज होनी चाहिए, वो नहीं होती है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि एक दिन में हो जाएगा? जो लोग साल भर मेहनत करते हैं, भले ही जैसे करें, क्योंकि हमने वो चीज़ नहीं अचीव की है तो हमें लगता है कि वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो करते हैं। ये उन्हीं से जाकर पूछे कि वो कितना काम करते हैं। साधारण टीचर नहीं बन जाते हैं, और सबकी लाइफ इसी तरह से है। हर इंसान को उसी तरह से 100% अपना देना चाहिए हर चीज़ में। मानना कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं किसी को अच्छी नहीं लगती थी, मेरे घर में सब ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए मुझे मैं उनकी नज़रों में कम अच्छी और कम दिमाग वाली पाई जाती हूँ। इसलिए वो शायद मेरी केयर नहीं करते। और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, आज मैं आपको मेरे आप बताने का एक ही मकसद है कि भगवान ना सबको अलग अलग तरीके से भेजता है। हो सकता है मैंने कुछ इतना किसी के साथ गलत किया है तो मुझे मिल रहा है, लेकिन जो मेरे साथ कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो अच्छा नहीं करता। तो ये कहाँ का सही है? मेरे बताने का पर्पज आप ये ना लीजिएगा कि मैं आपसे ये सब क्यों बता रही हूँ। मैं आपसे ये सब इसलिए बता रही हूँ कि जिस तरह से आपके साथ जब कोई दुर्व्यवहार इस तरह करते हैं तो आप पर भी बहुत ही कलेश होती है, बहुत दुख होता है। उसी तरह से जब हम किसी बच्चे के साथ ऐसा करते हैं तो उसे भी उतना दुख होता है, क्योंकि उसके अंदर एक जो परमात्मा होता है उसका अंश होता है, उसकी आत्मा इतना दुखी होती है और वो हर किसी के अंदर है। और वो उस टाइम क्यों इतना दुखी होता है, क्योंकि वो एकदम नाबालिग होता है, उसकी वो एज नहीं होती समझने की। जो आप उससे चाहते वो नहीं आप कर सकते, आपके अनुसार वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नहीं पता है कि आप क्या चाहते हैं, उसे एक्सेप्ट क्या करते हो, क्या चाह है आपकी उससे। शायद वो नहीं, उसे टाइम लगेगा समझने में। तो ये गलत है, और अगर सच में आपको भी ये कहीं ना कहीं गलत लगता है तो मुझे कमेंट करके बताना और मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना, या फिर उसे बिल्कुल भी शेयर मत करना अगर गलत लगे, और सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और मेरे इन सवालों का जवाब ज़रूर देना। मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, ये भी बताना। तो आज की कहानी मेरी यहीं तक ख़त्म होती है, और अगले नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक ले बाय, टेक केयर, और कोविड 19